नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। बीजेपी से बड़ौत विधायक केपी मलिक ने गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की बाबत किसानों की मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया। प्रदेश सरकार से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बाद अब वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी गन्ना मूल्य की कोई वृद्धि नहीं की गई। दैनिक महंगाई, बिजली बिल में वृद्धि, फसल लागत में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए किसानों की अपेक्षा थी कि इस साल भारत सरकार गन्ना मूल्य में वृद्धि करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसे किसान उदासीन है। विधायक ने यह भी लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार पूर्णतः प्रयासरत हैं। सरकार किसान हित में अनेकों लाभकारी योजनाओं का भी संचालन कर रही है, उनका किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन बागपत में बड़ौत क्षेत्र से किसानों की आय में पहली फसल गन्ना है। इसके किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ना मूल्य में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। विधायक ने किसानों के हित को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग भी की। प्रदेश सरकार ने इस बार अगेती प्रजाति का गन्ना 325 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति का गन्ना 315 रुपये प्रति क्विंटल और रिजेक्ट प्रजाति का गन्ना 310 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है, हम किसी भी अच्छे और बुरे वक्त पे किसी के यहाँ पे भी जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, जन्मदिन पे जा रहे हैं, अन्य किसी तेरहवीं पे जा रहे हैं, तो सब जगह एक ही बात उठ रही है कि हर बार जब गन्ने का रेट पीछे बढ़ता आ रहा था तो दो साल से क्यों नहीं बढ़ाया गया। इसमें मैंने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है चिट्ठी के माध्यम से, अगर इस पर विचार कर लिया जाए, अगर रेट बढ़ा दिया जाएगा तो किसान हित में होगा और ये समय की ज़रूरत भी है। तो ये थी बागपत से हमारे संवाददाता अंजू चौधरी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ।